ये भी मैं जानता हूं कि कोई इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब प्रॉफिट आएगा। भाषण करने के लिए लोग भाषण करते हैं, तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा इसकी गारंटी विक्रमजीत जी ने दे दी है। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना माने भारत में इन्वेस्ट करना, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने में इन्वेस्ट करना। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में भी आपका योगदान हो, इसके लिए इन्वेस्ट करिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देश की संसद ने जरूर प्रस्ताव पारित किया सर्वानुमति से कि वो भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा भी। बाकी जो फैसले 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री जी की दुर्लच्छा शक्ति के कारण हुआ, उसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। गुजरात का बड़ा योगदान रहा है, आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में वाइब्रेंट गुजरात का योगदान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गेटवे बनता जा रहा है देश का, गेटवे गुजरात हो अच्छी बात है, लेकिन देश का शारदा पीठ जिसने देश को लंबे समय तक दिशा दी, ज्ञान की दिशा दी, मैं समझता हूं कि उसको आगे बढ़ाने में भी गुजरात का योगदान होना चाहिए। विक्रमजीत जी ने बताया कि वो ऋषि मुनियों की, सूफी संतों की भूमि है, भगवान शंकर से लेकर माता वैष्णो देवी तक हर पंथ परंपरा का वहां आदर रहा है, और वहां की संस्कृति स्वाभाविक रूप से कंपोजिट कल्चर को बढ़ाने की नियत वहां के लोगों की है। एक थोड़े से कालखंड में कुछ ऐसे घाव हैं जो अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं, लेकिन उसको भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन बीते 4 सालों में बड़ा परिवर्तन, पिछले साल भी विक्रमजीत जी ने लिखा है कि 1,82,00,000 टूरिस्ट आया था, और इस साल जो साल बीता है वो 2 करोड़ से आंकड़ा ज्यादा पार कर गया है।